जो जितने भी चीफ मिनिस्टर साहिबान रहे हैं उनसे मिले हैं, हम उमर उल्ला से मिले हैं, हम गुलाम नबी आजाद से मिले हैं, सेकंड बार मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और जिसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हमें मौका मिला है, हम इस वक्त हिज एक्सेलेंसी जो इस वक्त हमारे गवर्नर साहब है सचिवपाल मलिक साहब है उनसे मिले, और हम द हायर एजुकेशन अर्लियर बीन द चांसलर ऑफ द बिहार यूनिवर्सिटी, उस बिहार यूनिवर्सिटी और उसकी सदारत में वहां पर जो कॉलेज टीचर्स है यूनिवर्सिटी टीचर्स है उनकी उन सबों की एज जो है वो 60 to 65 होगी, और जब हमने उसके सामने ये बात लाई, हमने जब ये बात उसके सामने लाई तो उसको लगा कि ये डिस्पैरिटी है, और उसने हमें वादा दिया है कि ये डिस्पैरिटी में दूर करूंगा, और उस सिलसिले में उसने कुछ जो 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 भी प्रोसेस था उसके लिए वो प्रोसेस उसने करवाया, और ये फाइल अब अल्टीमेट स्टेज पे पहुंच गई थी, और वहां पर मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, कंपेन हो गई उसको सबोटाज करने के लिए, और अब हम आपकी वसादत से गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं जो आपने हमसे वादा किया है, जो आपने हमें एश्योरेंस दी है उसको अमली आप जरूरी इकदाम करिए। प्रोफेसर तारिक अशरफ प्रेसिडेंट जेएनके कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन से आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपकी नोट्स में ये बात लाना चाहता हूँ कि जो हमारा जो डिस्पैरिटी का इशू था उसको सबोटाज करने के लिए कुछ लोग ने फॉल्स एक कंपेन स्टार्ट की है, उस कंपेन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम आपकी नोट्स में जो भी हमने अभी बातें आपको कही है वो हम गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं, और हम गवर्नर एस्टीमेड गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आपने जो हमें वादा किया है ये डिस्पैरिटी रिमूव करने का, उस वादे को आप अमली जमा पहनाइए, और इस सिलसिले में ज़रूरी इकदाम जो भी हैं वो जल्द से जल्द किए जाए।